Assalamualaikum. alaikum, hello students. We will study a very interesting and important story from class 10th today. The name of the story is Dusk, it is written by Saki. So, let's go to the introduction of this very story here on your screen. Uh, it's the writer Saki whose actual name was hector hu munro. He's a british writer and commonly known as saki and nobody knows why he has kept this name saki. saki was a witty satirist who lived and wrote about the society and culture of the times of king edward in england he was considered as a master of short story writers compared to o henry and dorothy parker. saki was influenced by oscar wilde, lewis carroll, and rudyard kipling. the students in this story, dusk, saki satirizes the character of norman gorsby, who feels himself better than the others. Who come to sit in the park at twilight the story ends up with an ironic ending humanizing the character of norman gorsby dear students the writer uses two very important techniques or elements of comedy in this story irony and satire irony means when the reader knows something that the character does not know. The example in this story is when the young man ends his sad tale with a veiled request for money. The man tells the story to make Gorsby feel sorry for him and lend him some money, but Gorsby fails to assess whether the story was a lie or not satire means to use comedy to express human weaknesses this is perfectly seen when gosby is deceived by his miscalculation as he discovers that he has allowed the young man to outwit and con him so dear students before we go to the explanation Story, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्टोरी मैं आपसे ब्रीफ उर्दू में बात करके आपको समझा दूं कि इस कहानी का बेसिक बुनियादी प्लॉट क्या है इस कहानी में आप एक ऐसे किरदार को देख रहे हो जो कि लीड किरदार भी है इस स्टोरी का यानी नॉर्मन गॉड्स भी एक ऐसा किरदार है जो आता है शाम के वक्त और एक पार्क में एक बेंच पे बैठता है जहां पे ऑलरेडी एक ऑलमोस्ट एल्डरली काइंड ऑफ ओल्ड पर्सन बैठा होता है गॉड्स भी को राइटर ऐसे प्रोड्यूस प्रेजेंट करता है ऐसे एक कैरेक्टर के तौर पर जो बड़ा सिनिकल होता है जो अपने आप को बड़ा एक्सपीरियंस समझता है जो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंस समझता है लेकिन कुछ ऐसा है कि डस्क के टाइम पे वो इस पार्क में बैठा है शाम के वक्त जिसे राइटर एक डिफीटेड आर के तौर पर यहाँ पे हमें समझाता है तो और सिंबॉलिकली ड जो इस कहानी का नाम रखा गया है तो एक पैसिमिस्टिक काइंड ऑफ टच दिया गया है कि जितने भी लोगों को पार्क में दिखाया गया है बिगनिंग में उनके बिल्कुल चेहरे तो साफ नजर नहीं आते जैसे वो छुपे छुपे हुए से उस पार्क में आते हैं और ऐसे ही लगता है कि गॉड्स भी हमारा जो लीड करेक्टर है वो भी शायद जिंदगी की किसी गेम में हारा है डिफीट वो महसूस कर रहा है लेकिन ऐसा कुछ हमें क्लियर लेकिन कहानी में लिखा हुआ नहीं है तो वो बैठा है मगर ये कैरेक्टर लोगों को जितने भी वो परछाइयों की तरह उस पार्क में लोग यहां से वहां वहां से यहां जा रहे हैं तो उनको देख देख कर कंक्लूड कर रहा है हमारा कैरेक्टर गोर्स भी कि ये लोग जो हैं ये हारे हुए लोग हैं और ये भी कंक्लूड करता है कि इस वक्त जो पार्क में शाम को लोग बैठे हुए हैं ये सब के साथ जिंदगी की किसी दौड़ में डिफीट इन्होंने फेस किया है दैट्स वाई कि इस अंधेरे में शाम के वक्त यहाँ आए हैं और ये कैरेक्ट राइटर हमें ये समझाने की कोशिश करा है कि दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर पीपल इन लाइफ कम हियर कामयाब लोग इस वक्त अपने घरों में मजे से बैठे हैं और नाकाम लोग ही इस वक्त पार्क में घूम रहे हैं और इसी सिचुएशन में जो गॉड्स के साथ एक और एल्डरली एक इंसान बैठा है तो गॉड्स भी जब उसकी तरफ देखता है तो एक स्टेटमेंट वो पास करता है कि ये ऐसा एक इंसान लग रहा है जो यहाँ पे बैठा है जो नो बड़ी एट द ओल्ड मैन स्टोन यानी कि शायद इसकी कोई नहीं सुनता शायद जिंदगी की वो जंग जो है वो हार चुका है और हारा हुआ एक इंसान यहां पे बैठा हुआ है तो कुछ लम्हों के बाद ये इंसान से चला जाता है और अब भी अकेला फिर लोगों को जज करने लगता है अपने आप को बड़ा चालाक और बड़ा समझदार समझते हुए तो इसी असला में एक और छोटा यंग एक लड़का वहां पे आ जाता है वो बैठता है लेकिन वो बड़ा एजिटेटेड और बड़ा कंफ्यूज और बड़ा गुस्से में लगता है और वो कुछ अपने आप से मटरिंग कुछ बातें करता रहता है तो भी इमीजिएटली जानना चाहता है उससे कि वो आपस में वो क्यों नाराज सा लग रहा है वो क्या बात है उसको तो वो नौजवान वो यंग आदमी एक कहानी शुरू कर देता है और बोल देता है कि भाई मैं जनाब मैं यहां पे लंदन आया था एक होटल में मुझे बैठना था वहाँ पे रहना था लेकिन होटल जो अब पहुँचा तो ये पता चला कि उसको डिमोलिश किया गया है अब वो होटल वहाँ पे है नहीं फिर मैं एक ऑटो वाले के पास गया तो उसने मुझे एक और होटल में लिया क्योंकि मैं होटल का साबुन वगैरह यूज़ नहीं करता तो मैं होटल में बैठ के उसके बाद निकला थोड़ा सा पैसा हा आ, साथ उठाया और निकला मैंने बोला मैं थोड़ा सा शॉपिंग करूँ साबुन लाऊँ तो उसके बाद वापस चला जाऊँ होटल तो मैं जब होटल से निकला बाहर तो कहीं पे मैंने थोड़ा सा ड्रिंक किया और एक सोप भी लाया और उसके बाद मैं वापस निकल तो मैं होटल का एड्रेस भूल चुका था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पे हूँ अब क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं मेरे पास पैसे भी नहीं हैं अब मुझे ये नहीं पता मुझे जाना का है तो मैं अब यहाँ पार्क में शायद या तो यहाँ बैठना पड़ेगा या तो ऐसे ही कोई अगर मुझे मेरी कहानी पे भरोसा करेगा कोई हेल्प करेगा तो पॉसिबली आ, मैं रात आराम से निकाल काट सकता हूँ तो गॉड्स भी बड़े आराम से उसकी कहानी सुना सुनता रहा लेकिन लास्ट पे उसने ये कंक्लूड किया कि ये जो लड़का है ये मुझे झूठ बोल रहा है ट्रिक कर रहा है क्योंकि उसने उसे कहा लड़के से कि अच्छा वो बताओ मुझे जो आपने साबुन लाया था वो कहाँ पे तो वो, तो वो नौजवान अपने जेबों को इधर उधर टटोल रहा है तो साबुन कहीं से निकल निकला नहीं तो वो फटाफट वहाँ से चल पड़ा कि उसे लगा कि इसने मेरी कहानी पर यकीन नहीं किया तो कुछ लम्हों के बाद गौट्स भी खुद भी वहाँ से उठा उसने सोचा कि मैं भी यहाँ से चला जाऊँ तो उसने अचानक बेंच के नीचे देखा तो वहाँ पे उसको साबुन की वो टिकिया मिले हैं तो अपने आप पे बड़ा शर्मिंदा हो गया कि यार मुझे आई शुड हैव ट्रस्टेड दैट पर्सन मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था वो फ़ौरन वो साबुन हाथ में लिए दौड़ते 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 इधर उधर तो बड़ी मुश्किल से उसको लगा के एक पुल पे वो लड़का खड़ा था तो उससे वो वापस दे दी वो उसे बुलाया साबुन वापस दिया सॉरी कहा और जेब से कुछ पैसे निकाले और उसको दिए और कार्ड भी दिया कि जब भी वापस मिले तो मुझे दे देना और अब कोर्स भी वापस आ रहा था बड़ा मुतमईन था सेटिसफाई था कॉन्टेंटेड था यार मैंने एक अच्छा काम किया कम अज कम इस बेचारे की बड़ी बड़ा परेशान था ये तो वापस जब आया तो उसने देखा बेंच के पास एक बुजुर्ग जो पहले वहाँ बैठा था वो बेंच के नीचे कुछ देख रहा था तो उसने उसे कहा कि भाई आप जनाब आप क्या ढूंढ रहे हैं तो उसने बोला मैं साबुन की टिकिया तो इस तरह बड़ा यू बैटर बेटर यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है और गॉड्सबे को मुझे लग रहा है बड़ा कंफ्यूजन में डाल देती है कि आखिर वो इस सोच पे उसको पता चलता है कि इतनी वो हम स्टोरी को पहले हम समझ रहे थे वो उसको प्रेजेंट किया गया था हाईली एक्सपीरियंसड और हाईली इंटेलिजेंट Uh, इंसान जो लोगों के बारे में बड़ा जज करता था अब अल्टीमेटली ही फेल इज टू अंडरस्टैंड हिम सेल्फ आर ही फेल इज टू अंडरस्टैंड द पीपुल और ट्रस्ट द पीपल अराउंड हिम दो बड़ा ही अजीब गरीब सिचुएशन इसके सामने होती है तो चलो अब हम इसी कहानी को आगे इंग्लिश में अब ये जो, जो प्लाट था बेसिक यही है इसको आप अलग अलग पार्ट्स में पढ़ के हम समझने की कोशिश करेंगे सो द आर ऑफ द डिफीटेड